हेलो एंड वेलकम टू बुकर जॉइंट। आज मैं आप लोगों के साथ टमाटर की मीठी चटनी शेयर करने वाली हूँ। इसे स्टफ्ड पराठे या पकौड़े के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। मैं कैसे बनाती हूँ ये जानने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए, मेरे किचन में एक कढ़ाई को गर्म करती हूँ। उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के 1/2 टी स्पून जीरा और करीब 2 कटे हुए हरी मिर्च, फिर 1/2 टी स्पून ग्रेटेड अदरक। जब अदरक और मिर्च भुन जाए तो पहले से कटे हुए टमाटर मैं इसमें डालूंगी। करीब 4 टमाटर मैंने यूज किया है। इस चटनी को मैं फलारी में यूज करती हूँ, इसलिए इसमें फलारी वाली नमक और हल्दी डाल दूंगी। टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, इसे गलने तक हम ढककर पकाएंगे। करीब 3-4 मिनट में हम इसे चेक कर लेंगे। हमारा टमाटर एकदम गल चुका है। अब आप इसे जो हमारा कलछन होता है उसकी सहायता से थोड़ा सा दबा देंगे तो ये सारा आपस में मिक्स हो जाएगा। फिर इसमें चीनी डालूंगी। इसमें मैं करीब 5 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। चीनी और टमाटर को अच्छी तरह से हम मिक्स करके ढक के वापस से इसे पकाएंगे, तब तक जब तक चीनी हमारा गल ना जाए। ये चीनी भी बहुत जल्दी ही गल जाता है। आप देखिए, हमारा चीनी बिल्कुल गल चुका है और अभी ये थोड़ा सा पतला लग रहा है। इसी स्टेज में हम इसे बंद कर देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के, क्योंकि जब ये ठंडा होता है तो चीनी हमारा इस चटनी को और गाढ़ा करेगा, इसीलिए इसे बहुत गाढ़ा करके बंद नहीं करना है। ये देखिए, ये कितनी टेम्पटिंग लग रही है। हमारी स्वादिष्ट टमाटर की चटनी तैयार हो चुकी है। तो आप भी इसे अपने किचन में बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको कैसी लगी हमारी ये रेसिपी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बुकर जॉइंट की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।